तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रेंडिंग पाकिस्तानी चैनल में खुश आमदीद। और आज हम आपको लेकर जाएंगे एक ऐसे दानिश्वर के पास जिसने मुल्क में इनकलाब बर्पा कर दिया है, कोरोना वायरस का ऐसा इलाज जो कि आप सोच भी नहीं सकते। तो आइए इनकी वीडियो देखते हैं। अच्छा देखिए, हाजी साहब को ना फौरी हाजी साहब ने एडवाइस पर अमल किया है। इन भाई के पास पहुँचे हैं, इन्होंने जी स्टेथोस्कोप लगाई हुई है। स्टेथोस्कोप का मतलब तो आप समझ गए होंगे कि ये बंदा डॉक्टर है। तो अभी जो मज़ीद तहकीकात हुई है उनसे पता चला है कोई शान क्लिनिक नाम का इनका हॉस्पिटल है और वहाँ पर ये कोई स्किन स्पेशलिस्ट हैं। लेकिन ज़रा सुने जनाब अली कहते क्या हैं। ले रहे हैं पर हमने ये बड़े नॉमिनल चार्जेस रखे हैं, 5 मिनट का सेशन 1000 रुपये में हम स्टीम दे रहे हैं। 5 मिनट की स्टीम बाप 1000 रुपये में डॉक्टर साहब दे रहे हैं। अच्छा वैसे आपको मज़े ही बात बताऊँ, सबसे ज़्यादा जो लूटते हैं ना वो भी ये स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं। जो भी इनके हत्थे चढ़ जाए ना वो बंदा ना बेचारे की जेब नहीं बचती, और कुछ बच जाए। जेड़े प्रेशर कुकर जो इस्तेमाल करते हैं, चलो कुछ भी दिए आपको एक टॉप का स्टीमर बताता हूँ। एक ना वो ग्लास के अंदर पानी भरें, उसको ओवन में गर्म करें, उस ग्लास से भी बाद में जब आप उसे बाहर निकालेंगे भाप निकलेगी, वो भी बड़े लेवल का स्टीमर है। लेकिन अभी भी डॉक्टर साहब ने ना कमाल की बात नहीं की, वो भी आपको सुननी पड़ेगी क्या कह रहे हैं। अच्छा अब ये देखिए कि भाप मतलब क्या, वायरस के क्या तक पहुंची है कि नहीं। वीडियो ज़रा हमें पीछे करके ना भाप के मॉडल को देखना पड़ेगा। ये भाप तो भाईजान के नाक से पहले ही ख़त्म होती जा रही है, सारी होती जा रही है। ये किस उनकी नाक पे नाक के अंदर उस जगह पहुंची है जहाँ पे वायरस होता है। तो मतलब ये कि किस तरह के इस कोम में माशाल्लाह से डॉक्टर पाए जा रहे हैं जो कि इस कदर दीदा दलेरी के साथ अवामुन्नास को लूट रहे हैं और हम लोग ये तमाशा देखते हैं। मतलब अब देखिए हाजी साहब पे मुझे तरस ही आ रहा है, बजाय शक्ल से भी हमें शरीफ आदमी लग रहे हैं, किस बंदे के हत्थे चढ़ गए हैं। बार बार बता रहे हैं 1000 रुपया जमा कराना, जे नहीं तो मेरे को ना आयो, मैं नहीं फिर जिस टीम देनी। जिस कोई नंबर मिलता है ना एक दो इन्हें कॉल करके ना सलाम दुआ ज़रूर करें और पूछें सर मतलब कौन सी आपने जादुई भाप निकाली है। अच्छा अब जहाँ तक बात आती है भाप की, हम आपको एक मेडिकल फैक्ट क्लियर करते चलें कि भाप कोरोना वायरस का खात्मा नहीं करती। स्टीम कोरोना वायरस बड़ा आसान सा तरीका है, गूगल पर लिखें स्टीम कोरोना वायरस और यहाँ पर हम न्यूज़ पर जाएँगे और ये देखें फॉल्स क्लेम स्टीम थेरेपी किल्स कोरोना वायरस, के मतलब ये जाली क्लेम है, ऐसा नहीं होता, स्टीम कोरोना वायरस का खात्मा नहीं कर सकती। तो अब हम वापस जाते हैं इसी कहानी के ऊपर। ये देखिए ये हमारी आंखों के सामने है कि मतलब हमारे मुल्क का माशाल्लाह से कैसा डॉक्टर का तबका है। और यकीन मानिए ये जो यंग डॉक्टर्स हैं ना बेचारे शरीफ लोग होते हैं, लेकिन उनको ऐसे लोगों की वजह से बदनाम किया जाता है जो कि प्राइवेट डॉक्टर्स होते हैं। हाँ जी, तो क्या हुआ कि जब डॉक्टर साहब ने आवाम को लूटने का वीडियो उनकी वायरल हो गई तो उसके बाद डॉक्टर साहब के ऊपर हुकूमत ने एक्शन लिया, इनका क्लिनिक इतलात के मुताबिक बंद करवा दिया गया है और डॉक्टर साहब ने अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करवा कर ये वजाहती बयान जारी किया। ज़रा उनका बयान सुनते हैं डॉक्टर साहब क्या फरमा रहे हैं। अच्छा मज़े की बात देखिए, स्टेथोस्कोप अभी भी नहीं उतारा डॉक्टर साहब ने, लगा के रखा ताकि आवाम को पता लगता रहे कि भाई जो मैं डॉक्टर। ये हमारा एक प्योर फैमिली एक पेज ऊपर मेरे कज़न है सजाद आबिद, तो उन्होंने कुछ चीज की बात की तो उसमें मेरे कज़न ही सर पर बैठे थे। अच्छा मतलब फैमिली को भी इस तरह चूना लगाते हो यार, मतलब आप कैसे आदमी हैं। मतलब फैमिली कह रही है भाई जान 1000 रुपया दो तो 5 रुपये 5 मिनट की स्टीम लेके जाओ मेरे को। तो उनकी हमने एक क्लिप अपने फैमिली ग्रुप में शेयर की, ऐसा कुछ भी नहीं है ना यहाँ पर। अच्छा फैमिली ग्रुप में मतलब सबके पास फ़ोन नंबर मौजूद है डॉक्टर साहब का ना, मतलब वो फ़ोन नंबर दे रहे हैं ना वीडियो में, मतलब फैमिली में किसी के पास फ़ोन नंबर नहीं तो फैमिली को बता रहे हैं कि मेरा फ़ोन नंबर ये आए शान क्लिनिक आके 5 मिनट की बाप लें, फैमिली को बता रहे हैं ना। कुछ नेबुलाइजर की हम इतनी फीस दे रहे हैं, हम तो यहाँ पर फीस भी लिल्ला जो है ना बहुत यार, इसीलिए मैंने इस वीडियो चलाया था ताकि आप भी वैसा था सके कि मतलब क्या हो रहा है काम कर रहे हैं जो बताना नहीं चाहते। और मैं आप सब सब होते तुसा साधु दस दिते हैं तुसी की करना चाहते हो, साधु पता लग गया है, अगे बोलो। प्रोपेगेंडे को प्लीज यहाँ पर बंद करें। देखा ये आप सारे जाली प्रोपेगेंडे फैलाते हो डॉक्टर साहब के मुताबिक, शर्म करो, बेशर्मो। और
बजाय कि आप इस गलत चीज़ों को फैलाएं, ये एक मजाक है और इसको प्लीज मजाक में ही रहने दें। और ये तो मजाक था, ताकत नहीं है और ना हमने इसमें से कोई हमारी मूव है कि हम कोई पैसा बनाएं। और तो ये एक प्योर फैमिली बेशरम लोगों, डॉक्टर साहब की वीडियो आपने मजाक बनाया। 3500 रुपये का स्टीमर लेके 5-5 मिनट में 1000-1000 रुपये की स्टीम थेरेपी देकर वो आप मजाक कर रहे थे। तुम लोग समझते हो पैसे कमाना चाहते हैं, किस कदर घटिया सोच है तुम सब की यार। मतलब एक बंदा अपनी गलती को एडमिट कर लेता है कि यार मैं ठीक है, मैं बेवकूफ़ी हुई, मुझे नहीं थी करनी चाहिए या मेरी तरफ से ये इनसेंसिटिव चीज़ थी। लेकिन नहीं, पाकिस्तानी कौम की ये मतलब आदत है कि अपनी गलती नहीं मानेंगे। कसूर लोगों का है कि उन्हें गलत समझ आई, डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक फरमा रहे थे। ग्रुप की ये बात थी जो कि गलत तरीके से कन्वे हो गई है। बहरहाल अगर इस मैसेज से किसी का दिल दुखा है तो मैं उसके लिए शदीद माज़रत ख्वाह हूं। जी जी, और इस मुश्किल घड़ी में मैं आपकी तरह आपके साथ हूं। बाकी जिस इसको आपने थोक लगाया ना ये 1000 रुपये का स्टीमर वाला, उनके पैसे ही वापस करें तो आपकी माजरत ज़रा हमारे लिए ज़्यादा काबिल कबूल होगी। तो दोस्तों ये है इस मुल्क की सूरत हाल। आपके इन डॉक्टर साहब के बारे में क्या तासुरात है? क्या उन्होंने माफ़ी दिल से मांगी या एवं आवाम को फ्रॉड लगाने की कोशिश की? अपने हमारे कमेंट्स पर ज़रूर बताएँ। और पता जो लोग घर में 1000 रुपये की स्टीम लेना चाहते हैं वो ये वीडियो देखें और बड़े मज़े से स्टीम इंजॉय करें। हाँ अलबत्त प्रेशर कुकर नहीं पार देने, ध्यान से कुकर का इस्तेमाल करें। स्टीम लेने का जी मैं बिल्कुल आसान तरीका बताने लगूँ आप लोगों को, बिल्कुल आसान तरीका है। जैसे कि कोरोना वायरस की वजह से डॉक्टर भी कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टीम लें, ये आप खुद भी ले सकते हैं अपने बच्चों। ये वायरस को नहीं मारती, इसलिए डॉक्टर इसलिए नहीं कहते कि वायरस ख़त्म हो जाएगा स्टीम लेने से, ये सिर्फ सांस की नाली को ज़रा साफ़ कर देती है। कर सकते हैं बूढ़े जो लोग हैं घर में, उसके उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ये बिल्कुल आसान मेथड है। जैसे मैंने कुकर में मैंने पानी डाला है और थोड़ी सी मैंने ये बाम डाली है मैंने, ठीक है। और मैंने एक बोतल ली है, बोतल में से मैंने वो इसके कैप के अंदर मैंने सुराख किया है, सुराख करने के बाद इसके अंदर मैंने ये पाइप डाल दिया ताकि स्टीम लेने में आसानी हो। अच्छा वैसे अगर कोई हमारे देसी बंदा होता ना, वो कहता है ए बोतल है कि ना मैं वेच पैप पा देता है, जैसा कि पैप रबट है चापर, ठीक है। और ये देखिए मैं आपके सामने ये स्टीम का ये ऊपर वाला जो इसका वेट है ना, ये वेट उठा के ये इसके अंदर मैंने ये किया, ये देखिए बिल्कुल आसान। देखिए बिल्कुल आसान तरीके से इस तरीके से आप स्टीम हासिल कर सकते हैं। आपको किसी भी डॉक्टर साहब को 1000 रुपये दे के 5 मिनट का स्टीम ट्रीटमेंट नहीं देना, और वैसे पैसे ज़ाया करने का शौक है जाकर किसी गरीब आदमी में तकसीम कर दें। तो आज की वीडियो का हमारा यही दर्ज था, शुक्रिया।